गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था अबाउट डोब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, कैसे उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट इट। In 1869, a Russian chemist Mendeleev produced a periodic table classifying the known elements. ठीक है, in the year 1869 में Mendeleev ने classify किया elements को, ठीक है, उनके table के according, उनकी periodic table के accordingly उन्होंने classify किया elements को, ठीक है। तो एट द टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया और अपनी टेबल को इन्वेंट किया, ठीक। सो एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो उन्होंने वो 63 एलिमेंट्स को लेकर के अपनी एक पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जितने भी 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, तो उन्होंने उन सब एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई करा, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने उसको अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल को अपना मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट दिया, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो किस अरेंजमेंट पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे कि उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी, ठीक। तो द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ, सो इसी पीरियोडिक लॉ पे उनकी टेबल को अरेंज किया गया। याद रखिएगा, लॉ किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे बेस्ड है। और उसके बाद में जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, इस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये था आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसको आपको याद करना मस्ट है। अब बात करते हैं टेबल पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर की। तो हियर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अगर आप इस पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये मेंडलीव की टेबल है, ठीक है, तो इसमें 6 हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको दिख रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको 8 वर्टिकल रोज दिख रही हैं उनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपकी 8 वर्टिकल रोज हैं, जैसे कि ये है, ये सारी जो आपको दिख रही हैं, ये 8 वर्टिकल रोज, इन सबको कम्बाइनली हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वर्टिकल रोज हमने आपको बताया वो ग्रुप्स थे। तो बेसिकली 1 से लेकर के आपका जो यहाँ आप देख रहे हो, 1 से लेकर के 7 तक के जो आपके ग्रुप्स हैं वो सारे आपके सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। यहाँ आप देखोगे ए है, ये बी है, हर एक जो आपका ग्रुप है वो ए बी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा, द ग्रुप्स 1 to 7 है 2 सब ग्रुप्स, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो आपका ये है, इसको हम लोग बोलेंगे ए सब ग्रुप और इसको हम लोग बोलेंगे बी सब ग्रुप। ये सारे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कि 1 से लेकर के 7 तक के। अब बात करते हैं ग्रुप 8 जो है आपका। तो ग्रुप 8 को बेसिकली 3 रोज में डिवाइडेड करा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। तो ये पूरा ग्रुप 8 जो है ये 3 रोज में डिवाइडेड है, ओके, रो 1, रो 2 एंड रो 3। अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी। तो देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट इन द टेबल।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ प्लेसेस को खाली छोड़ दिया, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये प्लेसेस खाली हैं, इनको उन्होंने कुछ प्लेसेस को, स्पेस को कुछ खाली छोड़ दिया टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। उन्होंने बोला कि मे भी कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हों, तो इसलिए हम इन उन एलिमेंट्स के लिए, जो डिस्कवर एलिमेंट्स होंगे फ्यूचर में, उन एलिमेंट्स के लिए हम कुछ प्लेसेस को वेकेंट छोड़ रहे हैं, जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो उनकी प्लेसेस यहाँ पे आ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कुछ प्लेसेस को खाली छोड़ दिया। तो ये था मेंडलीव टेबल का कुछ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इनके टेबल के कुछ मेरिट्स, कुछ एडवांटेजेस क्या थी, वो ये है, द फर्स्ट इज़ दैट एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज़। पहली उनकी जो प्रॉपर्टी ये है कि इनकी टेबल में जो एलिमेंट्स थे वो प्रॉपरली एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज थे, ठीक है, टेबल में। सेकंड थिंग इज़ दैट स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। उन्होंने कुछ प्लेसेस, कुछ स्पेसेस एम्प्टी छोड़ दिए थे, सो डैट जो भी फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके लिए उन्होंने पहले से ही कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी, जिससे कि जब वो डिस्कवर होंगे तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स विच हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है, उन्होंने बोला कि मतलब जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नॉन एलिमेंट्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हेल्प कर सकती हैं आगे के एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दैट द इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। आगे जब इनकी टेबल के बाद जो इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनको अलग रो में रखा गया और विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब इस टेबल को डिस्टर्ब ना करके उनको अलग से सेपरेट उनको रखा गया, उनको सेपरेट प्लेस दी गई। तो ये थी इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ आपकी मेरिट्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं इनकी टेबल के कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे उसके बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन की जो प्लेस है वो उन्होंने, आपने देखा कि ऊपर रखी हुई थी, ऊपर हाइड्रोजन की प्लेस थी, लेकिन जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन जो है कुछ उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन को हम कहाँ पे रखा जाए, मतलब कि किसके साथ रखें, कि मेटल्स के साथ रखें कि हम नॉन मेटल्स के साथ रखें, मतलब उन्होंने प्रॉपर उसकी फिक्स्ड प्लेस नहीं बताई हाइड्रोजन की, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एनिमल्स पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कुछ ऐसे पेयर्स की जिनकी जो प्लेस है वो सेटिस्फाइंग नहीं है। लाइक अगर आप देखो इस पीरियोडिक टेबल में, तो आप देखो कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो टेबल है वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज्ड है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो कोबाल्ट जो है वो उसका जो मास है 58.9 है, और यहाँ जो निकल है इसका जो एटॉमिक मास है, इसके बाद में जो निकल है उसका एटॉमिक मास जो है 58.7 है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया, ये इसका डिफेक्ट हो गया कि ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इसको इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और पेयर्स थे जिनकी प्लेस जो है वो सही, मतलब कि फिक्स नहीं, सही नहीं रखी गई, ठीक है। तो इस वजह से ये एक तरह का मेंडलीव का डिफेक्ट है। तो नेक्स्ट इज दैट पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपको पता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन को क्लियरली बताया नहीं गया है। तो ये थे आपके मेंडलीव टेबल के कुछ डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल होती है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत क्लियरली, मतलब बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताने की कोशिश करी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो मेरा। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू फॉर हेयरिंग मी।